हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे रीडिंग कैंपेन इंग्लिश वर्कशीट नंबर थर्टी फोर क्लास थ्री वीक सिक्स डेट है बच्चों ट्वेंटी सिक्स फेबररी थीम है बच्चों लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक बच्चों प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल किया जाए तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी आई एम होपी द हिप्पोपोटामस आई होप यू रिमेंबर माय विजिट टू अ रिवर साइड अलोंग विद माय फ्रेंड मिट्टू टिक टिक जम्बो एंड मोंटू तो देखिए बच्चों ये हिप्पो फोटोमस ये बता रहा है कि मैं होपी हूँ और आप सभी को याद होगा कि मैं रिवर साइड अपने दोस्तों के साथ गया था वी वर डिसअपॉइंटेड टू सी द रिवर ड्राइंग अप एंड हिप्स ऑफ प्लास्टिक क्लॉगिंग द फ्लो ऑफ वाटर और हम बहुत डिसअपॉइंट हुए थे निराश हुए थे क्योंकि हमने देखा कि जो रिवर है वो सूखती जा रही है क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक्स के जो चीज़ें हैं वो वाटर के फ्लो को क्लॉक कर रही है बंद कर रही है सो वी ऑल डिसाइडेड टू डू सम मैजिक तो हमने कुछ नया जादू करने की सोची डू यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द मैजिक क्या तुम्हें और जानना है जादू के बारे में ऑल द फ्रेंड्स वर हैप्पी एज दे हैड क्लीन द रिवर बाय रिमूविंग द प्लास्टिक वेस्ट सभी दोस्त मिल करके और रिवर से उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को हटाया द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग मेड दैम फील गुड और ये प्रोसेस उन्हें बहुत अच्छा महसूस करवा रहा था बट मिट्टू वॉज स्टिल कन्फ्यूज अबाउट समथिंग लेकिन मिट्टू फिर भी कन्फ्यूज था ऑल दो वी हैव क्लीन द रिवर द वेस्ट इज स्टिल लाइंग दियर हमने रिवर तो क्लीन कर दी थी लेकिन फिर भी कचरा वहीं पड़ा था वॉट आर वी डूइंग गोइंग टू डू विद द प्लास्टिक बॉटल हम प्लास्टिक बॉटल्स के साथ क्या करेंगे वी कैन डू सम मैजिक विद द बॉटल्स टिक टिक इज़ अ मजिशियन टिक टिक ने बोला कि हम उसके साथ कुछ जादू करेंगे क्योंकि टिक टिक एक मैजिशियन था यस हॉपी इज राइट आई हैव सीन हिम डूइंग द मैजिक हॉपी सही कह रहे हो मैंने उसे जादू करते हुए देखा है हा हा आई बिलीव वी ऑल कैन मास्टर दैट मैजिक ऑल वी नीड टू डू इज टू लर्न री यूज रीड्यूज एंड रीसाइकिल हम सभी मैजिक में मास्टर बन सकते हैं हमें सिर्फ ये सीखना है रीयूज रिड्यूज़ और रिसाइकिल फॉर एग्जाम्पल वी ऑल कैन मेक लैम्प आउट ऑफ दिस बॉटल इन बॉटल से हम सभी लैम्प बना सकते हैं तो बच्चों आप सभी को पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से इन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स का लैम्प बनाया नेक्स्ट बच्चों डीयर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स राइट एनी वन आइडिया टू यू द वेस्ट मटेरियल दैट इज़ फाउंड एट योर होम तो बच्चों आपके घर पे कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं तो आप सभी लिखेंगे वी कैन यूज वेस्ट प्लास्टिक बॉटल एज फ्लावर पोट फ्लावर पोट पेंसिल होल्डर बर्ड फीडर एक्सेट्रा नेक्स्ट बच्चों लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट कॉलम एंड राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू मे क्रिएट आउट ऑफ दिस वन हैज बीन डन फॉर यू तो देखिए बच्चों आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं आपको बताना है कि आप उनसे क्या बना सकते हैं मैच बॉक्स मैच बॉक्स यानी माचिस के डब्बे से आप मिनी कार मिनी ट्रक और मिनी हाउस आप बना सकते हैं आइसक्रीम स्टिक से स्माइली फेस स्टिक फ्लावर पॉट और फोटो फ्रेम आप इनसे बना सकते हो ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अ नाइस डे स्टूडेंट्स